जो क्लास इलेवंथ हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है लिमिट एक्सटेंस टू 4x² - 16 अपॉन रूट में x² + 9 - 5। तो पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 4 का स्क्वायर 16 - 16 आएगा अपॉन यहां पर आ जाएगा 16 9 25 5 - 5। ये गलत लिख दिया है तो 0/0 फॉर्म बनेगा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x² + 9 + 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4x + 4 हो जाएगा। ये अंडर रूट x² + 9 + 5 हो जाएगा, ये x² + 9 - 25 हो जाएगा। x - 4x + 4x² + 9 रूट में +5 / x² - 16, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अंडर रूट x² + 9 + 5। टेकिंग लिमिट करते हैं, x की जगह 4 रखते हैं तो 16 + 9 + 5 मीन 25 अंडर रूट में +5 5 + 5 दस आपका आंसर दे देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया अंडर रूट a+2x - √3x / √3a + x - 2√x। इसका भी फॉर्म चेक करते हैं, x की जगह a रखते हैं तो a+2a - √3x / √2a - √2a, तो 0/0 फॉर्म बनेगा। फिर यहाँ पर डबल कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स नीचे वाले का कंजुगेट का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले भी का भी कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये और ये मिलकर बन जाएगा a - b a + b, मीन्स a² - b² और ये चीज़ आपकी ऐसे लिखी रही। यहाँ पर ये और ये मिलकर a² - b a + b a² - b² बन जाएगा और ये चीज ऐसे ही लिखी रहेगी। ये आपका सॉल्व होने पर a - x आएगा √3a + x + 2√x। यहाँ से आपका आएगा 3a - x आएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a - x बचेगा √a + 2x + √3x। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग लिमिट करेंगे तो √3a + a + √2 √a - √a + 2a + √3a, ये बन जाएगा √4a + √2√a / √3a + √3a, √2√a + √2√3a √a, ये 4√a / √3√a, √a कैंसिल 2 2 4 कैंसिल, तो आपका आंसर बन गया -2/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2√3/3 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है √2 - x / √x - 1 / √2x² + x - 3। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √x + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √2x - 3 √x - 1 √x + 1 / √x + 1 / 2x + 3 x - 1 और √x + 1। ये 2x - 3 ये लिखा रहा है, ये आपका x - 1 बना देगा √2x + 3, ये x - 1 और ये √x + 1। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। टेकिंग लिमिट करते हैं, x की जगह 1 रखेंगे, 2 × 1 - 3 / 2 × 1 + 3 और 1 + 1 आ जाएगा तो मीन्स -1/5 × 2 - -1/10 आपका आंसर दे देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है √7 - 2x - √5 - √2 / x² - 10। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी वही कलाकारी हम लोग करेंगे। √7 - 2x ये लिखा रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 √5 - √2² / x² - 10। ये लिखा रहा √7 - 2x ये लिखा रहा, -a - b² बोलते हैं a² + b² - 2ab बना देगा, मीन्स ये आपका बना देगा x² - 10। ऐसे लिखा रहा √7 - 2x ये लिखा रहा, ये √5 - 2 √10 / x² - 10। इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a - b a + b, मीन्स a² - b² / x² - 10 और ये नीचे वाली चीज़ आपकी ऐसी ही लिखी रहेगी। तो यहाँ से बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा माइनस का तो x - √10 / x - √10 x + √10, और ये आपका ऐसे लिखा रहा, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। टेकिंग लिमिट करेंगे, x की जगह √10 लिखेंगे तो ये आपका -2/√10 + √10 / √7 - 2√10 + √7 - 2√10। तो -2/√10 / ये 2 times हो जाएगा √7 - 2√10, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1/√2√10 / √7 - 2√10। ये -1/√2√10 ये लिखा रहा, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ √5 / √2 / √2 - √10, तो ये बन जाएगा √5 - √2² / √2, 1/√2√10 / √5 - √2, ये आपका आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है,
लिमिट एक्सटेंस टू 2x की पावर 10 माइनस 10 24 अपॉन x माइनस 2, लिमिट रखते हैं 2 की पावर 10 10 24 माइनस 10 24 अपॉन 2 माइनस 2, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है लिमिट एक्सटेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, आपका होता है n की पावर n माइनस 1। तो मैं x की पावर 10 ये लिखा रहा, इसको मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ अपॉन x माइनस 2, फार्मूला आपका यही बन रहा है। तो होता है n, n की जगह 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 मींस 10 इंटू 2 की पावर 9 मींस 10 इंटू 512, 512 इंटू 10 करेंगे 5120 आपका आंसर बना देगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाएं। धन्यवाद।